जबलपुर बादशाह हलवाई मंदिर के पास रहने वाले 22 साल के सोनू चौधरी के आज इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सोनू की हत्या की गई है। परिजन और स्थानीय लोगों ने बादशाह हलवाई मंदिर रोड पर लाश रखकर चक्का जाम किया और पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। परिजनों की माने तो 16 तारीख की रात को कुछ लड़कों ने उसके साथ मारपीट की थी और इसी के बाद से वो घर से लापता हो गया था। 18 तारीख को सुबह सोनू मेडिकल के पास गंभीर हालत में मिला। कुछ लोगों ने पुलिस की मदद से उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया, जहां आज दोपहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सोनू की लाश रखकर प्रदर्शन किया और मांग की है इसकी जाँच हो। सूचना के बाद मौके पर ग्वारी घाट पुलिस पहुंची और जाँच का आश्वासन दिया, तब जाकर चक्का जाम समाप्त हुआ। जबलपुर से एम ए खान की रिपोर्ट। मैं क्लियर बता नहीं सकती कि वो मारपीट से हुई है या एक्सीडेंटल हुई है उसकी डेथ। अब जो भी ये शासन की तरफ से जो भी नियमानुसार सहायता राशि होगी हम स्वीकृत कराने की कोशिश करेंगे। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्मैक वगैरह, शराबखोरी और नशा इंजेक्शन वगैरह बढ़ रहे हैं और बिक भी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत शिकार हो रहे हैं 10-12 साल के। तो मैंने CSP साहब और हमने आश्वासन दिया है कि अब रात में यहाँ गश्त वगैरह भी रहेगी और जो भी होगा, जो मिलेगा, जो बेच रहे हैं इंजेक्शन वगैरह, तो उनको उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कितने घंटे जाम लगा रहा है यहाँ पर? ये करीबन 1-1.5 घंटे तक जाम तो लगा रहा, काफी लंबा जाम लग गया था। अभी ये तुरंत